गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे। तो गैस मैं भी मस्त हूँ। तो गैस आज का ब्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है। आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो गैस अभी बजे हैं 8 और देख सकते हो मेरा नहाना भी हो चुका है। और आज का मौसम देखा जाए तो अभी देख सकते हो बेड शीट भी चेंज कर लिया है। बहुत पूरा ऐसा हुआ था ना, पूरा बेड खतरनाक। सफाई कर रही हूँ अंदर की, झाड़ू रखा है नीचे, झाड़ू लगाती हूँ उसके पास। अभी कुछ कपड़े यहाँ बिक रहे हैं कुर्सी में, कुछ कपड़े उधर बिक रहे हैं। बैग ऐसे पड़े हैं हमारे, तो हम दोनों के, ये एक बैग इधर पड़ा है। लगाती हूँ मैं यहाँ झाड़ू, एक बार लगा लेती हूँ फिर पोछा भी लगा लूँगी। यार जब से आई मैंने ना झाड़ू लगा रखा है अपने रूम पर, ना पोछा लगा रखा है। वैसे लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, मेरे रूम पर साफ रहता है झाड़ू लगाने की। मैं आराम से कर लेती हूँ। दीपू है नीचे, मम्मी नीचे है, पापा गए हैं अल्मोड़ा। और ये कपड़े रखने हैं मुझे दीपू के, यहाँ भी कैसे हो रखे हैं छोटे मोटे आइटम। अभी मैं खिड़कियाँ खोल लेती हूँ क्योंकि थोड़ा अंदर हवा आएगी ना हमारे रूम पर। यार बहुत ज़्यादा वाली गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा वाली। तो गाइस कल मैंने ब्लॉग अधूरा ही रह गया था, कल का ब्लॉग मेरा। एक तो यहाँ नेटवर्क आते नहीं है, ब्लॉग अपलोड भी नहीं हो पा रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही है नेटवर्क की, क्योंकि जियो का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा ना गांव में। और आज का मौसम दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। गाइस मौसम हो रहा है बहुत खतरनाक। अब मैं पहले साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद दिखाऊंगी सफाई होने के बाद अपना रूम। गाइस फाइनली मेरा काम हो चुका है, मेरा पोछा भी लग चुका है। मेरा रूम कितना अच्छा हो गया है, ये देखो रूम पर आके लेट भी गए। क्यों अच्छा खासा बिस्तर मिला ना, बिल्कुल अच्छे से कर दिया था मैं। देखो तुमने क्या लगाया है, मिट्टी मिट्टी अपने आप लेटते हैं। करा पूरा रूम साफ कर लिया मैंने, अपना पूरा पोछा लगा दिया मैंने, क्योंकि पैर में पानी पानी हो जाता है, फिर फिसलने वाला होता है। पीछे देखो पीछे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? हेलो गाइस, काम करने में लगे हैं। मम्मी गई है पानी भरने को, पीने वाला गगरी से। बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा ना, अंदर इतनी उमस हो रही है मेरे रूम पे। मतलब ऐसा लग रहा है कि हल्द्वानी में ही हूँ मैं अपने रूम पर, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। गर्मी नहीं हो रहा है इधर रूम पर आके, ऐसा लग रहा है कि हम हल्द्वानी अपने रूम पर हैं। ऐसा नहीं हो रहा गरम गरम, देखो मैं मतलब मैं जैसे आ रही हूँ वैसे आंखें बंद कर दे रहे स्माइल, ये अरे गजब आग हो स्माइल। फोन आ रहे, ओ नो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। खींच दो नाक। तो गाइस फाइनली हम जाने लग गए हल्द्वानी को, हमारा अचानक प्लान बन चुका है और हम आ चुके हैं रोड में। मम्मी सामान लेके वो उधर खड़ी हुई है, अचानक प्लान बना क्योंकि मैं हम जा नहीं रहे थे पहले,
गर्मी रूट में आने तक। अब हम जाते हैं, जो भी होगा, बारिश होगी, जो भी होगा देखा जाएगा, फिलहाल तो निकलते हैं। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, इतनी बारिश में भी, देखते हैं आगे का सफर। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, अभी हम हैं करबला से आगे को, यानी कि लोधिया पहुँचने वाले हैं। और अभी तक ने मौसम ने तो हमारा साथ दिया है, आगे को भी हमारा साथ ऐसी दे मौसम। अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है, हल्का ठंडा ठंडा भी हो रहा है, पूरा कोहरा वाला मौसम हो रहा है। कोहरा लगाए तो यानी कि बारिश की संभावना नहीं होती है कोहरे में। तो अब चलते हैं आगे घूमने यात्रा। तो गाइस एक घंटे का सफ़र पूरा होके हम पहुँचे अल्मोड़ा से खैरना, जो कि हम परसों भी वहीं रुके थे, हमने चाय वगैरह पिया, अभी हम वहीं रुके हैं। अभी हमारा होगा यहाँ लंच, सॉरी ब्रेकफास्ट। तो उसमें है हमारे आलू के पराठे, जो बहुत भूख लगी है। और मौसम ने तो हमारा बहुत अच्छा वाला साथ दिया है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पर। लेट भी हो रही है, निकलते हैं फटाफट। हम पहुँचे हैं भवाली, भवाली से थोड़ा सा पीछे हैं अभी रुके हम। देखो जंगल के बीच में कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर से। यहाँ पर पता है नीचे से पूरे बांज का पेड़ है, और इतना ठंडा वाला नीचे मतलब वो नहीं होता गधेरा टाइप का बह रहा है, बहुत ज़्यादा पानी की आवाज़ जैसी आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा मतलब यहाँ पर। सभी अभी हमने भीमताल क्रॉस कर लिया है, बस भीमताल से थोड़ा सा आगे को है, थोड़ा देर में पहुंच जाएंगे हल्द्वानी। हाय, और यहाँ भीमताल में इतना खतरनाक मौसम हो रहा ना, सॉरी भीमताल में धूप आई है, भीमताल से नीचे को कोहरा, इतना ज़्यादा कोहरा लगा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा सामने को, बहुत कोहरा लगा है। बस थोड़ा देर पानी लेने के लिए रुके हैं, बस भी निकलते हैं, बहुत लेट हो चुकी है वैसे। गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बजे का, और मैं आ चुकी थी कब के दिन में, बिल्कुल टाइम नहीं हुआ ब्लॉग बनाने का, तब से आके मैं अभी फ़ोन पकड़ रही हूँ। और अभी भी मेरी रूम की हालत बहुत बेकार है, रूम पर आई साफ सफाई, एक तो सीलन, उसके बाद साफ सफाई, कपड़े धोए, तो मैं काम में ही लगी थी। अभी जाके मैं बैठी हूँ, मैंने छत में कपड़े धो के डाल रखे हैं, वो लेके आती हूँ। गाइस आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। मैं प्रीति मिलूँगी जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।